हेलो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं मत्स्यासन सरल मत्स्यासन आपके सामने लेकर आया हूँ। लगभग 3 गिलास पानी पीकर यह आसन करने से शौच शुद्धि में तात्कालिक लाभ मिलता है। साथ ही साथ कई महीनों के निरंतर अभ्यास से यह दमा रोग में भी लाभ प्रदर्शित करता है। यदि किसी भाई बहन को थायराइड एवं पैरा थायराइड की शिकायत है तो उनको भी ग्रंथियों को यह लाभ पहुंचाने में मदद करता है। यदि खांसी है, टांसिल रोग में भी यह हितकर रहता है। छोटी आंत एवं मलद्वार आदि आंतरिक अवयव भी अपना कार्य इस आसन के करने से सुचारू रूप से करने लगते हैं। कब्ज दूर करता है, भूख मिटाता है, भोजन को हजम करता है, पेट की मांसपेशियां इस आसन के करने से सक्रिय हो जाती है। आपके मुखमंडल के तंतुओं में इसका श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता है। गर्दन तथा कंधे की अगर तकलीफ है तो उसे भी यह दूर करने में प्रभावकारी है। इस आसन के करने से शुद्ध रक्त का निर्माण होता है और आपके दिमागी कमजोरी को भी दूर करता है। टांग है, बाहें हैं कि मांसपेशियां को भी यह सशक्त बनाने में मदद करता है। श्वास गर्म पानी पीने के फायदे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आपको डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, पेट आपकी खराब रहती है, गला खराब रहता है, खांसी है, जुखाम है, निमोनिया है, मोटापा है, सभी में यदि आप गर्म पानी पीते हैं तो यह लाभप्रद होता है। साथ ही साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप खाना खा रहे हैं तो खाने के अंत में कभी भी आप जो है पानी न पिए। खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना श्रेष्ठकर होता है। एक बात और है, यदि आप इसे प्रयोग में लाते हैं तो बहुत लाभप्रद होता है। सुबह सुबह जब आप नाश्ता करें तो अपने नाश्ते में रस का जरूर सेवन करें। मौसमी का रस हो गया, सेब का रस हो गया, अनार का रस हो गया, जो भी आपको सूट करता है वह रस जरूर लेना चाहिए। और दोपहर ऐसा कहा गया है कि दोपहर खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। यदि प्यास लगती है तो आप छाछ पी सकते हैं। छाछ बहुत फायदेमंद होता है और आपके खाना को डाइजेस्ट करने में भी मददगार साबित होता है। और दूध दूध का सेवन रात्रि भोजन के बाद सोने के पहले आप ले सकते हैं। और जब उसके 1-1.5 घंटे के बाद जब आप पानी पिए तो पानी पिए कैसे हैं? यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप पानी पिए तो चुस्की ले लेकर के करें, जैसे जानवर लोग पीते हैं ना चाट चाट करके पानी, उसी तरह। क्योंकि जब हम पानी चुस्की लेकर के पीते हैं तो मुंह के अंदर जो हमारी लार बनी रहती है वो सब पानी के साथ घुल करके वो पेट में चली जाती है, जो खाने को पचाने में बहुत ही मददगार होती है, जिससे हमें कब्ज की शिकायत नहीं होती है, अपच की शिकायत नहीं होती है। और यदि हम सिक करके पानी पीते हैं तो यदि किसी को ओवरवेट की शिकायत है, वजन उसका ज्यादा है, तो सिप सिप करके पानी पीने से उसके ओवरवेट में को भी यह कम करता है। मौसम 4 होते हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात। तो मैं बताना चाहूंगा कि होली होली के तुरंत बाद, अभी होली आने वाली भी है, होली के तुरंत बाद से लेके बरसात के पहले तक ये गर्मी का मौसम कहते हैं। और इसमें मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी पीना श्रेष्ठकर होता है। और बारिश शुरू से लेकर अंत तक, यानी जो ये जो 4 महीने का समय होता है, ये तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी प्रयोग करना ज्यादा श्रेष्ठकर होता है। और उसके बाद बारिश शुरू से अंतिम समय तक तांबे का है। और बारिश सर्दियों के दिन में, इसके बाद सर्दी आती है तो सर्दियों के दिन है, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि सोने के पात्र में रखा हुआ पानी पीना श्रेष्ठकर होता है। क्योंकि सोने का पानी, सोने का घड़ा हर आदमी के लिए संभव नहीं हो सकता है, तो आजकल सोने का दाम भी काफी बढ़ गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी पात्र में रखा हुआ पानी है उसमें आप अंगूठी है, सिकड़ी है, या जो भी आपके पास सोने का सामान या सिक्का है उसे उस पात्र में डाल दें और वो पानी आप सेवन करें, तो यह काफी लाभप्रद होता है। और सोने के पानी रखा हुआ और भी अन्य चीजों में फायदा करता है, जैसे किसी को निगेटिव सोच आती है
बुरी बातें सोचता है या दिमाग में उसके बहुत उथल पुथल चलती है, तो सोने का घर में रखा हुआ पानी यदि वो पीता है तो उसे काफी फायदेमंद होता है। या डिप्रेशन में भी अगर शिकायत है किसी को तो डिप्रेशन में काम करता है। नींद ना आने की शिकायत है उसमें भी ये काम करता है। माइग्रेन में काम करता है। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, इन सब चीजों में यह सोने में रखा सोने का पानी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो 4 माह सर्दी का है सोना में रखा हुआ पानी, और 4 माह गर्मी के हैं तो मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी, और 4 माह बरसात का जो होता है वो तांबे में रखा हुआ पानी काफी लाभप्रद होता है। पानी पीने का एक और मैं विधि बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पानी है उसे खूब आप उबाल लीजिए, और उबालने के बाद रूम टेम्परेचर पर उसको ले आकर के ठंडा कर लें। उसके बाद पानी पीना ज्यादा श्रेष्ठकर होता है, तो आपको आलू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर नारियल पानी का भी प्रश्न काफी पड़ गया है, और मैं बताना चाहूंगा कि नारियल का पानी भी बहुत ही फायदेमंद होता है। उसमें यदि किसी को डायरिया की शिकायत है, उल्टी की शिकायत है, दस्त होने की शिकायत है, इन सब में नारियल का पानी बहुत काम करता है। और दिल के लिए भी यह बहुत अच्छा होता है, वजन घटाने में भी यह काम करता है। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, सिर में दर्द है, और यदि उसकी उम्र बढ़ती है तो उसे भी जरूर नारियल का पानी लेना चाहिए। तो आइए मैं अब मत्स्यासन कैसे करते हैं ये करके दिखाता हूँ, और इसके जो फायदे हैं वो आपको मैंने बता ही दिए। सबसे पहले आप पद्मासन लगा लें, दाहिने पैर को बाएं पैर के जांघ पे रख लें और बाएं पैर को दाहिने छींक के जांघ पे रख लें। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अब नितंब के साथ अपने कोहनियों को इधर रखेंगे, फिर ये इधर रखेंगे और धीरे से आप लेट जाएंगे। इसके बाद अब क्या करना है, ये कोहनी को सहारा लेते हुए अपने गर्दन को ऊपर उठानी है, ताकि धनुष की स्थिति में ये शरीर आपका आ जाए। पैर के अंगूठे को खींचे रखना है, जितना अधिक से अधिक हो जाए आप अपने गर्दन को उठाए रखेंगे, शरीर का पूरा भाग आपके गर्दन पर रहे। सामान्य सांस आप लेते रहेंगे 6 से 7 सेकेंड तक। इस स्थिति में आप बने रहेंगे। अधिक से अधिक अपने शरीर को धनुषाकार की स्थिति में आप बनाए रखेंगे। 6 से 7 सेकेंड होने के बाद धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे पृथ्वी पर लाएंगे, कंधे को भूमि पर लाएंगे, और फिर इसके बाद आप अपने पैर के अंगूठे को छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके आप अपने पैर को ये फैला, फिर यह एक चक्र आपका पूरा हुआ। फिर अगर आप इसे दोबारा करना चाहते हैं तो 6 से 8 सेकेंड आप विश्राम की स्थिति में रह करके पुनः इसे दोहराया जा सकता है। शुरुआत में एक बार यह काफी रहेगा, और उसके अभ्यास के साथ आप इसे 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूं, आपको पद्मासन लगानी है, ये करना है, पैर को पकड़ना है और अपने गर्दन को उठा देना है। छह से सात सेकेंड रुकना है, फिर धीरे धीरे
अपने तूनों का सहारा लेकर के आपको पृथ्वी पर। ये हुआ मत्स्यासन। कुछ लोग जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं उनके लिए मैं सरल मत्स्यासन आपको करके दिखा। आप भूमि पर लेट जाएं, पैर को सीधा रखें, इसके बाद आप अपने हाथों को की पंजों को अपने नितंब के पास रखेंगे। पहले दाहिने पैर को अपने नितंब से के पास लाएंगे, फिर बाएं पैर को नितंब के पास लाएंगे और अपने फिर कुहनी का सहारा दे करके इस तरह आप ये ऐसे कर सकते हैं। इसे भी वही आपको लाभ मिलेगा, पुनः आराम से पृथ्वी पर आ जाए। नमस्ते, आपने अनिल केसरी योगा देखा। हर शुक्रवार को मैं 12 बजे पुनः आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। नमस्ते, जय हिंद।